हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम आपको एक मेकअप लुक दिखाते हैं जिसे आप वेडिंग सीजन में पार्टी या किसी भी बर्थडे पर क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, बिल्कुल ही सिंपली लुक है। आपको किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मेकअप खुद ही घर पर आसानी से कर सकते हो। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, एक नया लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस मेकअप को कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और जिस सामान से हम आपको करके दिखाएंगे, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, ये हर शॉप पर अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये लैक्मी का फाउंडेशन है, प्रोफेशनल फाउंडेशन है। ओके फ्रेंड्स, आप अपने साइड के हिसाब से, जो भी आपको आपकी साइड हो तो उसी हिसाब से आप इस फाउंडेशन को खरीद सकते हैं। ये आपको 115 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ता है, आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिक है। हम सुबह ही कर लेते हैं तो शाम तक ये मेकअप नहीं हटता है, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के लगा लिया है। अब आप ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से भी लगा सकते हैं और फिंगर की सहायता से भी लगा सकते हैं, आप जिस तरह चाहे आप लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने फिंगर की सहायता से ही इस फाउंडेशन को लगाया है। ओके गाइस, क्योंकि मैंने प्राइमर को पहले लगा लिया था, जिससे मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाई, पता ही नहीं कैसे स्किप हो गया। ओके, तो आप ये प्राइमर पहले लगा लीजिएगा, जिससे कि प्राइमर से क्या होता है कि बहुत से बिगनर जो लड़कियां होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि प्राइमर क्या वर्क करता है। मुझसे बहुत कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि यदि प्राइमर क्या वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि प्राइमर हमारा जो है, तो फ्रेंड्स आप आसानी से कर सकते हो। ओके, ये प्राइमर क्या करता है कि हमारा जो मेकअप बेस होता है उसे लॉन्ग लास्टिक तक टिके रहने तक की मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा फाउंडेशन ज़्यादा समय तक टिक रहे, तो हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके आईज़ के नीचे ब्लैक हैंड्स हैं, तो डार्क सर्कल है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और अपनी आईज़ के नीचे लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल कवर हो जाएगा, मेरे आईज़ के नीचे डार्क सर्कल नहीं है, तो मैंने इसे स्किप कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम फाउंडेशन को अच्छे से लगाने के बाद लगाएंगे ये फेस पाउडर, जिससे कि हमारा मेकअप जो है फिक्स हो जाए अच्छे से, कहीं पे कम ज़्यादा ना लगे, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल सेट हो जाए। ओके, तो अब हम अच्छे से फाउंडेशन पाउडर को अच्छे से लगा लेंगे, अपने नेक एरिया पे भी अच्छे से कवर कर लेंगे, अपनी ईयर नेक एरिया हम कवर कर लेंगे अच्छे से। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो अगर आप चाहते हैं कि ब्रश से लगाएं तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्पिन से भी आप लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आप दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं कि आपको ब्रश से लगाना है या फिर स्पिन से, दोनों ही अफोर्डेबल है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ब्रश से क्या होता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं लगता। ओके गाइस, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आई मेकअप करेंगे, तो हमने ये जो आई शेडो पैलेट लिया, इसमें से गोल्डन कलर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये वीडियो में थोड़ा अच्छे से शाइनिंग नहीं दे पा रहा है, मतलब रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओके फ्रेंड्स, मैंने दोनों आईज़ पे इसे लगा लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल से लाइट कलर लगाया, ज़्यादा डार्क नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कोई भी सेट, तो मुझे गोल्डन लगाना था आज, तो मैंने गोल्डन कलर ही लगाया। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने लगा लिया है अपना आई शैडो मेकअप। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा लाइट भी है, इतना हाई नहीं लगाया है। अब हम अपनी आईज़ में काजल लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हम अपनी आईज़ को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, तो मैंने ज़्यादा हाई लेवल की काजल नहीं ली है।
ओके, ये आपको किसी भी शॉप पर 10 रुपीज़ में अवेलेबल है। ओके, इसे आप लिप लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अच्छे से इसे इस मर्ज कर लेंगे। ओके, मर्ज करने के बाद अब हम लगाएंगे आईलाइनर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आईलाइनर के बिना हमारी आई जो है अच्छी नहीं लगती। आईलाइनर के बाद तुरंत हमारी आई का लुक चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा मोटा आईलाइनर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पतला लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज में आईलाइनर को अच्छे से लगा लिया है। ओके फ्रेंड्स, और मैंने एक आईज पे फेक लैशेस लगा ली है पहले ही। अगर मैं सारा लगा के दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर करके लगा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैंने आई लैशेस एक आई पे लगा लिया है। आपको क्या करना है, आई उस जब आप पैकेट में से निकालोगे, थोड़ा आई लैशेस को ऐसे मोड़ लीजिएगा और इस पे ग्लू पहले ही लगा लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। डायरेक्ट आपको आई लैशेस नहीं लगानी है। ओके फ्रेंड्स, और अपनी एक आईज को बंद करके एक खोले रहने देना और इसे अच्छे से चिपका लेना। ओके फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पर आपने आईलाइनर लगाए हैं उसी के ऊपर इसको लगा लेना है। ओके, अगर आप ग्लू लगाने के बाद तुरंत ही से लगाओगे तो आपकी आईज़ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपका आईलाइनर भी इस पे चिपक जाएगा और आपकी आईज़ काली हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आई लैशेस पे पहले ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, डायरेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं करना। तो ये आपकी आई जो लैसेस है बिल्कुल भी नहीं हटेंगी। आप क्या करते हैं, गीली आई लैसेस को लगा लेते हैं, वो जल्दी से हट जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसे लगा के छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी, पूरा दिन आपकी ऐसे ही लगी रहेगी, आप जब चाहो तब छुड़ाओगे इसे। ओके फ्रेंड्स, आप मुंह धोगे तभी यह छुड़ेगी, वैसे नहीं छुड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मेरी आई लुक कैसा है। तो अगर आपको मेरी आई मेकअप का मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके गाइस, अब हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मैंने लैक्मी की ली है, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और मैंने रेड कलर लिया है। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लगा लिया। आपको क्या करना है, लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगा लेना है। अगर आपके और ज़्यादा फटे फटे हैं तो आप लिप बाम लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा लिपस्टिक लगेगा आपका, ज़्यादा स्क्रेच सी नहीं आएंगे आपके होठों पे। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है लिपस्टिक। ओके, अब हम जो हमने आई शेडो लगाया था उसके अंदर ब्लशर और हाइलाइटर दोनों मिलता है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके ही लगाया है। ओके फ्रेंड्स, इतना हाई नहीं लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कम लगाया है, लाइट लाइट से लगाया है, जो कि अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने जिस एरिया पे हाईलाइट यूज़ होता है उस एरिया पे मैंने लगा लिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस मेकअप को करना तो आप इजीली इसे घर पर ही कर सकते हैं, आपको किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही खुद से मेकअप कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरी आईज़ कैसी लग रही है, आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे। अपनी आईज़ को बचा के ही हमें मेकअप फिक्सर को फिक्स करना चाहिए, ताकि हमारी जो आई मेकअप है वो हटे ना, क्योंकि हमारी जो आई शेड होती है, जो आईलाइनर होता है, वो गीला होने के कारण हट जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको बताते हैं कि किन किन प्रोडक्ट से हमने मेकअप लुक क्रिएट किया है। ओके, तो हमने सबसे पहले फाउंडेशन लगाया था, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने प्राइमर लगाया था। ओके, उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाया था, वो हमने आपको बता दिया है। ओके, तो उसके बाद हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया जिससे कि हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। फिर हमने आई शेडो किट से, आई पैलेट किट से ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। ओके फ्रेंड्स, जो बहुत ही अच्छा है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर और मस्कारा इन्हीं चीज़ों को बस इस्तेमाल किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस मैंने ये मस्कारा लगाया है। ओके, ये 7 साइज का मस्कारा है। ओके फ्रेंड्स, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये एडीएस का आईलाइनर है, मैंने इन्हीं प्रोडक्ट से मेकअप को क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं लैक्मी सीसी की क्रीम है। ओके फ्रेंड्स, तो
तो आप इसे मार्केट से इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। और ये ब्रश है जिससे कि मैंने अपने मेकअप को फिक्स किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है जिससे कि हमारा मेकअप सेट रहता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और आपको मार्केट में मिल जाएगा। और मैंने छोटा सा ब्रश लिया है जिससे कि आई मेकअप किया है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।